क्वेश्चन नंबर वन पार्ट वन 95% कन्वर्ट करना है इसको फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन के बाद से करना है कन्वर्ट लोवेस्ट फॉर्म में. 95% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 95% इज इक्वल टू 95/100. परसेंटेज से किस में कन्वर्ट हो चुका है ये फ्रैक्शन में. फ्रैक्शन के बाद से कन्वर्ट करना है लोवेस्ट फॉर्म में. लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 95/100 लिख लेंगे. अब मैंने बताया था अगर 5 का टेबल हो, ये एंड वाला क्या हिस्सा है, ये 5 है, तो ये 5 पे डिवाइड होगा. 5 पे डिवाइड करने के लिए से ऊपर भी 5 से डिवाइड करेंगे, नीचे भी 5 से डिवाइड करेंगे. 5 वन ज़ा 5, रिमाइंडर इज 4. 5 नाइन ज़ा 45 एंड नीचे 100 है. 5 टू ज़ा 10 और 0. तो ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगा, 19/20. कुछ टीचर इसके बाद इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसको 19 को अंदर रख के 20 को बाहर रख के डिवाइड करते हैं और वह पॉइंट में जवाब आ जाता है. उसका नहीं है क्योंकि लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में इसे कन्वर्ट नहीं करना और फ्रैक्शन की लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ये फ्रैक्शनल फॉर्म है. तो यही हमारा जवाब होगा. जवाब क्या आएगा इसका, 95% इज इक्वल टू 19/20. इसको अगर आप डब्बे बॉक्स में इनक्लोज कर दें तो ये हमारा आंसर है. इसी तरह 65% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में. 65% इज इक्वल टू 65/100. परसेंटेज से किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में. और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या है, 5, नीचे है 100. तो 5 से 65, 5 है तो 5 से ऊपर भी डिवाइड कर देंगे, नीचे भी डिवाइड कर देंगे. 65/100 इज इक्वल टू 6 1 6, रिमाइंडर इज 1. 5 1 5, रिमाइंडर इज 1 एंड 5 3 15. 100 नीचे क्या है, 100. तो 5 2 10 और 5 1, क्योंकि ऊपर ही 5 से किया है, नीचे भी 5 से किया है. 5 2 10 और 0 का 0, तो ये आ जाएगा 13/20. 65 इज इक्वल टू 13/20. क्योंकि ऊपर नीचे आप सेम आगे टेबल में डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या है, आंसर है. 65% किसके बराबर है, 13/20. पहले हमने इसे कन्वर्ट किया उसकी फ्रैक्शनल फॉर्म में और फ्रैक्शन के बाद उसे हमने डिवाइड करके कन्वर्ट किया उसकी लोएस्ट फॉर्म में और नीचे उसके जवाब लिख दिया. एज इट इज़, अगर 75% को हमने कन्वर्ट करना है तो 75% इज इक्वल टू 75/100. 75/100, 75% से किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में. परसेंट मतलब पर 100, 75/100. 75/100 के बाद इसे करेंगे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, क्योंकि अब भी इधर क्या है, 5 है, तो ऊपर नीचे 5 से इसे मल्टीप्लाई कर, नीचे ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर देंगे. क्या आएगा जी, 5 1 5, रिमाइंडर इज 5 6 और 7 2. तो 5 5 25, 5 2 10 और 0 क्या बन जाएगा, 15/20. अभी ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी ये 5 है, ऊपर भी 5 है, नीचे 0 है, तो ये एक बार फिर से काट सकता है. 5 3 15 और 5 4 20, दिस इज इक्वल टू 3/4. सो 75% इज इक्वल टू 3/4. लिख सकते हैं 75% का इज इक्वल टू 3/4 फ्रैक्शनल फॉर्म में. और ये किससे कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन फॉर्म में. फ्रैक्शन के बाद इसे हमने कन्वर्ट कर दिया डिवाइड करके 3/4, और 3/4 क्या होती है, 75 = 3/4. ये किसमें है, लोएस्ट फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, आंसर है हमारा. एज इट इज 25% को किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में. क्या आएगा, 25% इज इक्वल टू 25/100. फ्रैक्शन से परसेंटेज से किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में. अब किसमें करना है, लोएस्ट फॉर्म में. अभी भी ये 5 के टेबल में डिवाइड होता है. 5 5 ज़ा 25, अगर दोबारा से देख लूँ इसको मैं, 25/100. 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 5 0 0 क्या बन गया, 5/20. ऊपर 5 और नीचे 0 हो तो फिर से डिवाइड होता है, कटता है एक बार. क्या किस पर कटता है, 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20. तो 25% इज इक्वल टू 1/4. लोएस्ट फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है.